आगे वीडियो क्यों क्या, लेकिन ऐसे लग रहा है वेन्यू का बड़ा बाप आ गया। खड़े खड़े चलाएंगे तो ज्यादा नहीं जाएगा, अगर थोड़ा लच लेंगे। बगल में ला के अंकल हूं कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। उम्मीद होगा आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई आज थोड़ा जा रहे हैं कावासाकी लखनऊ, लेकिन भाई अभी हम चल रहे हैं, पहले मिलेंगे शुभम भैया से जिनके पास ZX NR है, और साध भाई से मिलेंगे। मैंने कहा यार उधर चल ही रहे हैं तो सबसे मिल के चलते चलेंगे, तभी हम कावासाकी जाएंगे अगर वो लोग होंगे तो। बाकी भाई बहुत दिन बाद आप लोग देख रहे होंगे कि इतना मस्त फुल एंजॉय करते हुए, और बहुत दिन बाद भाई धूप धूप निकली हुई है लखनऊ में, अन्यथा भाई धूप का तो कुछ अता पता नहीं था हमारे लखनऊ में। आज धूप निकली है भाई, तब जाके मेरा थोड़ा मूड अच्छा हुआ है। अब अभी जाके मैंने बाइक राइड करना शुरू करा है भाई साहब, तो लेवल ठंड का भाई बहुत तगड़ा है लखनऊ भाई। अभी फ़िलहाल काफ़ी सही है मौसम, होप यार ऐसा ही रहे मौसम, चेंज ना हो ज़्यादा, नहीं तो हमारे जैसे बालक तो भाई वीडियो ही नहीं बना पाएंगे। वही यहाँ SUV वाले से लग रहा है, लग गई है रेस। ये देखो, देख रहे हो, देखो देखो देखो, अभी नई गाड़ी है भाई, लगता मुझे ऐसा ही रहा है भाई, रेस लगा ली बंदे ने। नई नई गाड़ी भाई, इतना ना लगाओ कहीं पता चले सर्विस सेंटर में खड़ी हो जाए। ओ माय गॉड, ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, देखो देखो रेस ही लग रही है भाई, भाई रेस लगा रहा भाई। भाई ये देखो BMW की M Sport जा रही भाई, M2 या M3, M3 है भाई, M3 देख रहे हो क्या गाड़ी है भाई। भाई बाइक और कार्स का कभी कंपेयर नहीं कर सकते आप, कार्स नो डाउट बहुत अच्छी होती हैं, बाइक्स में क्या सीन है कि भाई वो आप अपने हिसाब से चला सकते हो। वाओ, अरे यार ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है भाई। भैया कोई ठोक ठाक ना देना, और ठोक भी दोगे तो अपना वो निकल आएगा कंटेंट, कंटेंट कंटेंट का भूखा हूँ मैं, प्यासा हूँ मैं, आज मैं नंबर प्लेट लगा के आया हूँ मैं। और ये नई वाली क्रेटा है क्या? नहीं भाई, इस पुरानी वाली है। नई क्रेटा क्या बनाई है भाई, आगे से लुक थोड़ा वेन्यू टाइप का लग रहा है, ऐसा लग रहा है वेन्यू का बड़ा बाप आ गया है, लेकिन भाई ऑल गुड, अंदर फीचर्स काफ़ी अच्छे अच्छे दे दिए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है वेन्यू का बड़ा बाप आ गया है। और बस यहाँ से कुछ ही दूर है भाई, अगर वो रूट नहीं बंद होगा ना तो हम बहुत आराम से पहुँच जाएंगे, अगर रूट बंद होगा तो भाई बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ, मतलब बहुत घूम के जाना पड़ता है, और ट्रैफिक का लेवल अपने उस पर रहता है भाई, समझ रहे हो। तो भाई अभी अभी जस्ट प्लेन में एक जस्ट प्लान में एक फेरबदल हुई है, तो भैया बता रहे हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ उधरी, तो वहाँ से हम चलेंगे डेविल, ठीक है। सो अपने को निकलना पड़ेगा पहले साध के घर, यहाँ से साध का घर ज़्यादा दूर नहीं है। भाई सामने वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं शुभम भैया, XUV 700 है भाई, वो 500 थी जिससे हम लोग रेस लगाते हैं। हाँ ये 500 है, वो 700। अबे कितना मैं कंफ्यूज रहता हूँ भाई जिंदगी में। आई थिंक शुभम भैया घर जा रहे हैं हम लोग, साध भाई का तो इधर है शायद। तुमको कितना लग रहा था? R15 नहीं है भाई। कितना
फेमस हो गए तुम। जब अपलोड करेंगे तभी आएगा। डाल देंगे अपलोड। स्टार्ट कर सकते हैं। कर लो भाई। बस 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 गियर नहीं लगाना। ये भाग जाएगी भाई मत। ये R15 नहीं है ना भाई? हाँ वो बात है ना। स्टैंड लगा दे। स्टैंड लगा है। थैंक यू सो मच। लगा। कितना लगता है, कितनी जाती होगी ये? 170 नहीं है बोले, पर जैसे मतलब इसको चलाने वाला हूँ, क्योंकि देखो अगर जो आप बाइक पर बैठ के अगर तो खड़े खड़े चलाएंगे तो ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर थोड़ा लच लेंगे तो ज़्यादा जाएगा। उस पर फोर्स पड़ेगा वो कहीं से ताकत अपनी लगाएगा, उस पर फोर्स पड़ेगा तो भागेगी नहीं। अच्छा तुमने ट्राई किया क्या? ट्राई किया भाई, R15 तो नहीं चला रहे थे? हाँ भाई चला रहे हैं। नहीं मैंने एक बार देखा, मैंने ये नोटिस किया है कि पीछे बैठे तो ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि उस पर फोर्स पड़ता है तो वो कम घूमता है। अब वो एकदम हिला रहा है। भाई देखो आज एडिट करेंगे तो फिर कल परसों तक अपलोड कर देंगे। इस वीडियो का मतलब नंबर होगा ना, कोई वीडियो का हर वीडियो का नंबर होता है इसमें। अरे पहली वीडियो यही मिलेगी तुमको, तुम चैनल में जाओगे तो यही वीडियो मिलेगी, टेंशन ना लो। कल पर। हाँ चले चलते हैं। 4 बज गए, 5 बज गया। बंद कर लेता हूँ, तुम्हारा घर सबको पता चल जाएगा। हाँ सर डायरेक्ट भाई हम पकड़ेंगे, पता है क्या, सीधे हम जाएंगे भाई, पकड़ लेंगे वो भाई। भाई अलग ही रेस, मैं डर गया भाई, बगल में ला के अंकल हूँ कर रहे हैं, थ्रॉटल दे रहे हैं बेफिजूल का। अलग ही भाग रही है गाड़ी, अलग ही भाग रही है गाड़ी ठंडियों में। यार देखो ये बहुत मस्त चलती है ठंडियों में, नो डाउट इसको कहीं भी ले जा सकते हो ठंडियों में, गली कूचा कहीं भी ले जा सकते हो, किधर भी गर्म नहीं होती गाड़ी। लेकिन भाई जो गर्मियों का सीन रहता है ना, बहुत बेकार रहता है इन बाइकों का। गर्मियों में बहुत ठंडी लगती है, मतलब गर्मी लगती है, सॉरी। वैसा सजावट मतलब जो डेकोरेशन वाला काम है ना भाई, वो होता तो है लखनऊ में, नो डाउट। और यहाँ मैं थोड़ा सा अचंभित हो चुका हूँ, बैरिकेटिंग्स भाई, इस पे कैमरे लग गए हैं, मैं भूल गया था कि इस पे कैमरे लगे हुए, और मैंने आगे नंबर प्लेट भी लगवा ली है आज। गलंजा वाले भैया तो कुछ ज़्यादा ही तेज चले भैया, है तो बलेनो वो, चाहे नाम बदल के गाड़ी खरीद लो ठीक है, रहेगी तो बलेनो ही।
तो भाई ऐसा कुछ था आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना भाई। कमेंट करने से बेनिफिट ये है अपने को भी भाई, थोड़ा अपन लोगों को पता चलता है कि आप लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हो।